हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल का सिम है और आपके एयरटेल के सिम में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप अपना नेट चलाते हैं तो यहाँ पर ऊपर ई का निशान बनकर आ रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इस ई के निशान को हटा सकते हैं और यहाँ पर आप अपना 4G नेटवर्क पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। तो हम यहाँ सेटिंग में आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद दोस्तों हमको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद हमको एयरटेल वाली सिम को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल ऑफिस के नाम से एक यहाँ पर APN सेटिंग दिखाई देगी, आपको इस APN सेटिंग पर क्लिक करना है और इसको एडिट कर लेना है। इसमें यहाँ पर सबसे ऊपर आपको नेम वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको मोबाइल ऑफिस की जगह यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट कर देना है। और इसको करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसके बाद नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको सर्वर का ऑप्शन दिखाई देगा, सर्वर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप कर देना www.google.com। आपको यहाँ पर ये टाइप कर देना है। इसको टाइप करने के बाद आपको कर देना है यहाँ पर इसको ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपको फिर से नीचे की तरफ आना है। नीचे दोस्तों आपको किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है और यहाँ पर नीचे आपको बियरर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। और इस पे आने के बाद यहाँ पर आपको अनस्पेसिफाइड वाले ऑप्शन को यहाँ पर अनटिक कर देना है और यहाँ पर आपको सिर्फ LTE को सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस सेटिंग को कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करके कर देना है इसको सेव। तो हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। सेव करते हैं दोस्तों हमारी सेटिंग यहाँ पर ये कुछ इस तरह की आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऊपर के साइड में स्लाइड करके नीचे की तरफ आना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एयरप्लेन मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस एरोप्लेन मोड पे आपको अपने फ़ोन को लगा देना है। तो जैसे ही आप एरोप्लेन मोड पे लगाएंगे तो आपके नेटवर्क यहाँ पर चले जाएंगे और दोबारा से आपको इस एरोप्लेन मोड को ऑफ़ कर देना है। तो हम यहाँ पर फिर से इसको ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल का इंटरनेट एक बार बंद होकर दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा और आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आपका नेटवर्क यहाँ पर 4G आ चुका है और ई का निशान यहाँ से हट चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस ई वाली प्रॉब्लम को यहाँ से हटा सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा था तो दोस्तों आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व यहाँ पर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।